नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और इजी स्नैक्स रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बेसन सूजी की इडली सिखाने वाली हूँ। ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी सबको पसंद आती है और ये हेल्दी है, तो चलिए बेसन सूजी की इडली बनाना शुरू करते हैं। इडली बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून दही डाल रही हूँ। अब मैं दही को फेंट लेती हूँ। मैंने 1 कप बेसन लिया है, जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसे मैं बोल में डाल देती हूँ। 1/4 कप सूजी, जो 50 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1/4 कप सूजी ली है। 1 कप पानी, जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 200 ml पानी लिया है। पहले मैं आधा पानी ही डालती हूँ, आधा पानी हम बाद में ऐड करेंगे। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिश्रण मिक्स हो चुका है, अभी हमने जो पानी बचा था उसे मैं बोल में डाल देती हूँ। और अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून तेल डाल देती हूँ, 1 टीस्पून मिर्ची का पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टेबलस्पून शक्कर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ही आप इसमें ऐड कीजिए। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ, हमें बिल्कुल यही प्रकार से बैटर को रखना है। अगर आपको इस प्रकार की कंसिस्टेंसी ना मिले तो आप इसके अंदर 1 नहीं तो 2 चम्मच पानी और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे ढक के 5 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम मिश्रण को चेक कर लेते हैं। मिश्रण बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है और सूजी भी फूल चुकी है, हमें यही प्रकार का मिश्रण चाहिए था। मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ, हमें बिल्कुल यही प्रकार से तैयार करना है। अब मैं इसमें ये जो लेमन फ्लेवर का इनो है वो डाल देती हूँ, मैं 1 पूरा पाउच इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है, अब हम इडली को इडली स्टैंड में डाल देते हैं। मैंने इडली स्टैंड को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और जो मिश्रण तैयार हुआ है उसे मैं डाल देती हूँ। मैंने सारा मिश्रण स्टैंड में भर दिया है, अब मैं इसे स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। मैंने कुकर के अंदर पानी डाल के उसे 10 मिनट पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अभी हमने जो इडली का स्टैंड तैयार किया है उसे मैं कुकर में रख देती हूँ। अब मैं कुकर को बंद कर देती हूँ और इसे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर कुक कर लेती हूँ। 12 मिनट हो चुके हैं और इडली तैयार हो चुकी होगी, मैं कुकर को खोल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी इडली बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है और सुंदर फूली हुई है। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। इडली ठंडी हो चुकी है, अब मैं इसे मोल्ड में से निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से मोल्ड में से निकल आती है। मैंने सारी इडली को मोल्ड में से निकाल लिया है, अब हम इसका जो बघार है उसकी तैयारी कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था, अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून राई डाल देती हूँ। 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डाल देती हूँ। अब हमने जो इडली तैयार की है उसे मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। अब मैं इडली को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इडली अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसमें 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इसमें ऐड कीजिए। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों, ये रेसिपी आप गर्म नहीं तो ठंडा दोनों प्रकार से खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, हमारी हेल्दी टेस्टी इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनके तैयार हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए इजी स्नैक्स रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।